नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा मतलब एक अपना पेटीएम अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों आजकल पेटीएम कंपलसरी हो गया है दोस्तों, जहाँ जब देखो चाहे जिस जगह देखो वो पेटीएम अकाउंट मांगता है दोस्तों। अगर आप किसी ऐप से अर्निंग करना चाहते हैं या फिर दोस्तों थोड़ा बहुत अर्निंग ऑनलाइन करना चाहते हैं और पेटीएम अकाउंट एकदम लिमिटेड यानी दोस्तों कंपलसरी हो गया है और आपको अकाउंट खोलना है पेटीएम का, तो बहुत ही सरल तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपने फ़ोन पर गूगल से सॉरी वहां से प्ले स्टोर से जाने के बाद आपको पेटीएम डाउनलोड कर लेना है। तो मैं दोस्तों पेटीएम डाउनलोड कर लिया, फिर इसको मैं आपको ओपन करना है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो वॉलेट अकाउंट ही खुलेगा दोस्तों। और सेविंग अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो खोलने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए दोस्तों करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना ऐसा आपका कुछ ऑप्शन आएगा अगर पेटीएम अकाउंट आपको डाउनलोड करने के बाद सॉरी पेटीएम ऐप जैसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल डैश पे आपको क्लिक करना है ऊपर, ठीक है ना, साइड में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिएट न्यू का अकाउंट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अकाउंट का जैसे ही ऑप्शन आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको वो नंबर देना है जो आपने अभी तक पेटीएम पर रजिस्टर नहीं किया है और अभी तक आपने पेटीएम अकाउंट नंबर नहीं बनाया है। तो सिंपल से दोस्तों मैं यहाँ पर वो नंबर दे देता हूँ, देने के बाद दोस्तों आगे की ओर बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये नंबर आपको दिखाना नहीं चाहूँगा, इस वजह से मैं दोस्तों नंबर दे देता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल नंबर देने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको OTP देना है, ठीक है ना। OTP देने के बाद दोस्तों फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मेरे पास दोस्तों इस नंबर का अभी मेरे पास ये नंबर नहीं है, मैंने ये नंबर ऐसे ऑटोमेटिकली किसी का डाल दिया है, इस वजह से मेरे को OTP नहीं मिल पाएगी। बाकी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूँ कि फिर इसके आगे आपको क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको OTP डाल के आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर से आपको एक पासपोर्ट बनाने के लिए कहेगा दोस्तों। पासपोर्ट कैसे बनाना है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सिंपल से आप आसानी से ध्यान से सुनिएगा। पासपोर्ट बनाने के लिए दोस्तों आपको पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, जैसे आपका दोस्तों नाम राम है तो पहला अक्षर R कर देना, फिर R छोटा इस्तेमाल करके M A लिख देना, फिर M लिख देना, फिर RAM हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद आपको H लिख देना है या फिर @ लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद दोनों पर आपको वही सेम पासपोर्ट बनाना है और फिर कन्फर्म कर देना है आपका। सिंपल से बहुत ही आसान तरीके से आपका पेटीएम अकाउंट ओपन हो जाएगा दोस्तों। और फिर आपको उसको सेविंग अकाउंट कैसे करना है वो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए टेक्निकल विजय में दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।